अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं अपनी न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं क्लब सैंडविच। क्लब सैंडविच बहुत ही सबको बहुत ही पसंद होते हैं और बच्चे ज़्यादा लाइक करते हैं, इसलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखें, सबसे पहले हमें चाहिए ब्रेड। ब्रेड जितने आपने बनाने हैं सैंडविच उतनी ब्रेड चाहिए। कैप्सिकम जिसे शिमला मिर्च कहते हैं, ये मैंने थोड़ी सी ली है क्योंकि ज़्यादा हमारे घर कोई नहीं खाता इसलिए। कैरेट जिसके क्यूब्स छोटे छोटे कर लिए इन दोनों के मैंने। उसके बाद ब्लैक पेपर, सॉल्ट, चिकन जो बॉयल कर लिया है मैंने, इसको बॉयल करने के लिए मैंने इसमें नमक डाला है, पानी डाला है और चिकन, बस इसको बॉयल कर लिया। और टमाटो केचप चाहिए और यंग्स की मायोनेज चाहिए, ठीक है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। और ये 1 एग है, क्योंकि मुझे एग ज़्यादा नहीं पसंद इसलिए मैंने 1 ही लिया है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। चलें जी, मैंने एक ट्रे ले ली है। सबसे पहले इसके अंदर रखेंगे हम ब्रेड, ठीक है। ये हमने बनाने हैं सैंडविच, ये हमें चाहिए 4 स्लाइस, 1 2 3 4। ब्रेड को मैंने साइड से कट कर लिया है, आपने भी ऐसे ही कट कर लेना, ठीक है। ये अब ट्रे साइड पर करेंगे, चिकन को लेके आएंगे। चिकन के अंदर अब हम ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे, इसका मिक्सचर बनाएंगे। अच्छा जी, मेरे पास चेडर चीज़ के स्लाइसेस हैं, अगर आपके पास हैं तो आप डाल लें, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे इसे डालने से ना फ्लेवर अच्छा हो जाता है। चलें जी, चिकन को हम रेडी करते हैं। चलें जी, अब हम इसमें डालेंगे मायो। मायो आपको जितनी पसंद हो आप उतनी डाल सकते हैं, मुझे तो ज़रा बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सॉल्ट 1/2 टीस्पून के करीब डाल दें, क्योंकि चिकन को बॉईल करते वक्त भी हमने उसमें सॉल्ट डाला। ब्लैक पेपर ये भी 1/2 टीस्पून। अब इसको मिक्स करते हैं। चलिए जी, ये मिक्स हो गया, ये हमारा मिक्सचर बन गया। अब हमें ब्रेड के स्लाइसेस लाने हैं यहाँ पर। ये देखिए, एक पे लगा लेना है हमने। अच्छा जी, इसके ऊपर फिर स्लाइस रखेंगे हम, और चीज़ का 1 स्लाइस रख देते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है। चलें जी, अब हमें एग फ्राई करना है। इसके लिए सबसे पहले फ्लेम ऑन करेंगे। चलें, फ्लेम ऑन हो गई। नॉन स्टिक का मैंने तवा लिया है, अंडा चिपकता नहीं। ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा ऑयल गर्म होने देंगे। चलें जी, ऑयल थोड़ा गर्म हो गया, अब हम इसमें ऐड डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे हस्बैंड हेल्प कर रहे हैं मेरी वीडियो बनाने में। चलिए इसको फ्राई करेंगे। चलें जी, एग हमारा फ्राई हो गया, अब हम इसको निकाल देंगे।
ये देखिए ऐसा करना है हमें, ये मूव करें मैंने आपको बताया था मुझे एग ज्यादा नहीं पसंद, इसलिए मैं इसको हाफ कर रही हूँ। हाफ हो गया, अब हमने पहले स्लाइस रखना है, उसके बाद ये हाफ एग ये रख दिया, थोड़ी सी कैरेट, और थोड़ी सी ही शिमला मिर्च। इसके ऊपर आएगी केचप, चलिए ये हमारी फाइनल लुक आई है। अब हम इसको सैंडविच मेकर में बनाएंगे। ये देखिए सैंडविच मेकर मेरे पास है, अगर आपके पास नहीं है तो आप तवे पे भी बना सकते हैं। इसको पहले प्रीहीट होने देंगे। चलिए जी, इतने हमारा सैंडविच मेकर गर्म हो रहा है, इतने में दूसरा भी रेडी कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं हम इंशाल्लाह। चलें जी, सैंडविच मेकर गर्म हो गया है फुल हीट अप, अब हम इसके ऊपर रखेंगे। चले जी, अब इसको हमने बंद कर दिया है, अब जैसे ही सैंडविच रेडी हो जाएगा ये भी लाइट ऑन हो जाएगी, ठीक है, फिर हम इसको निकाल लेंगे। चलें जी, इतने सैंडविच रेडी हो रहे हैं, हम इसकी सॉस रेडी कर लेते हैं। हमें चाहिए मायो, थोड़ी सी केचप, और थोड़ा सा ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून ले लीजिए। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं, ये हमारी सॉस रेडी हो गई। चलें जी, अब हमारा सैंडविच ये लाइट रेड ऑरेंज लाइट ऑन हो गई है, तो इसका मतलब रेडी हो गया। ये देखें जी, सैंडविच मेकर से हमने निकाल लिए थे, ये देखें ये हमारे सैंडविच रेडी हो गए हैं। सैंडविच मेकर में ऐसा ही कलर आता है डार्क सा, और मैं अब आपको ये दिखा देती हूँ कितने टेस्टी लग रहे हैं, ये देखें। साथ आप सॉस के साथ इंजॉय करें, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।